हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस के पास एक बार फिर से विपक्षी कुनबा जुटने लगा है। कर्नाटक जिसे बड़े राज्य में प्रचंड जीत से उत्साहित, कांग्रेस फिर से विपक्षी एकता की झंडा दरबारी के लिए ताल ठोंकने की स्थिति में पहुंच गई। कुछ समय पहले तक जो लोग कांग्रेस को ठुकरा रहे थे, कांग्रेस रहित गठबंधन की पैरोकारी कर रहे थे, वो अब नर्म पड़ने लगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बदला हुआ रुख इसका सबसे बड़ा प्रमाण भी। इसके साथ ही साल 2018 जैसी तस्वीर एक बार फिर से दिखी। हालांकि कुछ चेहरे इस बार गायब हैं, कुछ नए जुड़ गए, कुछ की व्यस्तता की वजह से तस्वीर में उनका चेहरा नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंच पर सबको जोड़ने की कवायद में लगे नीतीश कुमार और उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जरूर दिखे, जो भारत भ्रमण करके साल 2024 के लिए साथियों का कुनबा जोड़ने में लगे हुए थे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कर्नाटक के शपथ समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 19 विपक्षी दलों को न्योता भेजा था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार, आरजेडी के तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, एनसीपी नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, डी राजा शामिल हैं। इसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कर्नाटक कैबिनेट की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वहीं कमल हसन, दीपांकर भट्टाचार्य, सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत तमाम कांग्रेसी मुख्यमंत्री और नेता मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राहुल गांधी ने मंच से एक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों पिछड़ों के साथ खड़ी हुई है, हमारे साथ सच्चाई थी, बीजेपी के पास ताकत थी, लेकिन कर्नाटक की जनता ने नफरत को हरा दिया। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने मोहब्बत की दुकान सजा ली। कर्नाटक में जो 5 वादे किए गए हैं, हम झूठे वादे नहीं करते। 1-2 घंटे में कर्नाटक सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी, उस मीटिंग में 5 वादे कानून बन जाएंगे। हम आपको साफ सुथरी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। राहुल गांधी यहां मंच से सभी मेहमानों का नाम भी लेना नहीं भूले, जो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे और मंच पर मौजूद थे। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उद्धव ठाकरे शामिल होने नहीं पहुंचे। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बकायदा ठाकरे को फोन करके समारोह में आमंत्रित किया था। वहीं महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार कर्नाटक के मंच पर दिखे और इस दौरान राहुल गांधी उनसे बातचीत करते हुए दिखे। वहीं दूसरी तरफ यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिया गया था, ऐसा सूत्र बताते हैं, लेकिन उनकी बड़ी मां के देहांत की वजह से वो भी नहीं जा पाए, उनकी व्यस्तता के अपने कारण। जबकि ममता बनर्जी के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं आई। वहीं मायावती के बारे में भी कोई जानकारी नहीं आई। पिछली बार साल 2018 में मायावती मंच पर दिखी थी, उनके साथ सतीश चंद्र मिश्र भी थे, लेकिन इस बार ये चेहरा नदारद था। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के कई नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस की तरफ से आमंत्रण भेजा गया था। वहीं केजरीवाल, केसीआर जैसे कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या साल 2024 में तस्वीर पूरी हो जाएगी या कुछ अभी और घटनाक्रमों का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ये कुनबा धीरे धीरे बढ़ेगा और फुल फ्रेम में सेट हो पाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह साल 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं के एकजुटता के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन कामयाबी कितनी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी और इसका इंतजार मई 2024 तक करना ही होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।